वेल गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप सभी काफी अच्छे होंगे, आपकी फैमिली तो और अच्छे। गाइस, आज आपके लिए बहुत तगड़ी वीडियो लेके आऊँ, हाउ टू विन एवरी ट्रेड विद कैंडलस्टिक साइकोलॉजी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना वरना रिग्रेट फील करोगे। मैं जब ट्रेड पर्सनल ट्रेडिंग करता हूँ तो एक कैंडल में मैं क्या क्या देखता हूँ, वहाँ पे क्या क्या सिनेरियो बनता है, किस वजह से मैं ट्रेड लेता हूँ, सब कुछ आपको नॉलेज देने वाला हूँ। तो वीडियो पे अगर चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक बार टेलीग्राम चैनल पे विजिट करो। देखो लोग मेरे जरिए डेली 10,000 20,000 40,000 50,000 60,000 70,000 भी कमा रहा है और कोई 500 कोई 100 रुपये भी कमा रहा है, लेकिन जिसका जितना बड़ा कैपिटल है वो उसके अकॉर्डिंग कमा रहा है। यहाँ पे पीएलटी आपके साथ हमेशा जेन्युइन तरीके से और ट्रांसपेरेंटी से रहता है। तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम चैनल को विजिट करो। अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप लीव कर सकते हो, बट एटलीस्ट एक बार देखो। ठीक है, जो पीएलटी के पास आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता है, क्योंकि भाई अपने पास रियल नॉलेज है। एंड यहाँ पे आप लीडर बोर्ड अपना देख सकते हो, डेली पीएलटी लीडर बोर्ड पे। ठीक है, तो चलो अभी मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ एंड बताता हूँ कि आपको कैंडल की हर एक कैंडल की साइकोलॉजी क्या होती है और कैंडल को हम कैसे जज करते हैं। ठीक है, अब देखो ये कैंडल हमको क्या बता रही है। यहाँ पे मैं पहले ट्रेड हिस्ट्री को हाइड करूंगा एंड अब देखो मैं आपको ट्रेड लेके बताऊंगा कि मैं एक कैंडल पे अगर ट्रेड ले रहा हूँ तो इसका क्या रीजन, क्या सिनेरियो बन रहा है। ये 40 सेकंड बाकी है और गैप अप ओपन हुआ है। ठीक है, अब देखो ये कैंडल 2 मिनट की ट्रेड हमको बता रही है, अप जाएगा यहाँ पे, मतलब डाउन आ रहा है कैंडल, बट यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, अब 1 मिनट में देखो सिनेरियो क्या कह रहा है। 1 मिनट में ओवरऑल मार्केट बहुत ज़्यादा चढ़ चुका है, अब यहाँ से डाउन गिरने की कोशिश में है। ठीक है, अब 5 मिनट का ये सिनेरियो देखो, आपको ये 5 मिनट क्या बता रहा है। 5 मिनट में यहाँ पे मैं सिखाता हूँ अपने मेंटोरशिप में COC। ठीक है, जो मतलब एक सप्लाई को एक डिमांड ने कवर किया होता है तो उसको एक रेजिस्टेंस लेवल बोलते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं एक हॉरिजॉन्टल, ये सब हिडन लेवल होता है। ठीक है, जो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा क्योंकि कोई बताता नहीं है। ठीक है, तो 1 सेकंड होल्ड करो, मैं पहले बॉलिंजर बैंड और इसको हटाता हूँ और यहाँ पे ये जो अपना हिडन लेवल है इसको ड्रॉ करता हूँ। ये हिडन लेवल मैंने ड्रॉ कर दिया। अगर ये कैंडल रियल मार्केट है, अब देखो परसेंटेज 84% मिल रहा है, अगर इसके ऊपर क्लोज होता है तो मैं आपके लिए जाऊँगा। 2-3 ट्रेड पहले मैं आपके लिए लेता हूँ। ठीक है, अब देखो ट्रेड की एंट्री अपनी काफ़ी लेट हुई है, बट ये 110% डीप आईटीएम जाने वाली है, जहाँ पे मैंने ट्रेड लिया उसके ऊपर ही क्लोज होगा। अब देखो इसका रीजन क्या है, बैक टू बैक आप देख सकते हो कि मार्केट एक फ्लो में था डाउनवर्ड के, मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिर चुका था, बट मैंने यहाँ पे बीच में एंट्री क्यों लिया। दोस्तों मैंने एक आपको वीडियो अपलोड किया है, मैंने बताया शो शॉर्ट पैटर्न में एक कैंडल का एक सीक्वेंस होता है, साइज होता है, मिडिल कैंडल, स्मॉल कैंडल एंड बिग कैंडल। तो मैं अगर मार्केट को जब जज करता हूँ ना तो मेरी आंखें बता देती हैं कैंडल में भी कितनी बड़ी बन सकती हैं, तो वो चांसेस रहते हैं उसके हिसाब से मैं बताता हूँ। जरा मेरे एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, 1 मिनट जरा होल्ड करो, 1 सेकंड। ठीक है, तो गाइस मेरा एक इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था, जरा मैं बात करने चला गया था। देखो आप कितनी डीप कैंडल बनी ये वाली, ठीक है, इसी पे अपना ट्रेड विन हुआ था एंड मैं आपको ट्रेड हिस्ट्री भी दिखा देता हूँ। देखो एक भी ट्रेड लॉस नहीं, क्योंकि भाई अगर आप कैंडल को जज करना सीख लोगे ना तो जरूर प्रॉफिट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे क्या देखा, कुछ नहीं, रियल मार्केट था, मैंने वहाँ पे एक हिडन लेवल, कि आपको कभी कोई नहीं बताएगा भाई सप्लाइड को डिमांड को कवर करे तो वो हिडन लेवल होता है। तो ये सब मैं आगे रिवील करूँगा, जब फेस रिवील करने वाला हूँ बहुत जल्दी, तब चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, आपको सारी नॉलेज सब यूट्यूब पे मिलेगा, अपडेट देता रहूँगा। ठीक है, लर्निंग कॉन्टेंट आते रहेंगे एंड अगेन मैं चलता हूँ अपने जर्नी की तरफ। देखो जो आगे ट्रेड लूँगा उसके रीजन बताऊँगा आपको। अब यहाँ पे बैक टू बैक 3 कैंडल बन चुकी थी, यहाँ पे मेरा एक पैटर्न है श्योर शॉर्ट जो को मैं रिवील करूंगा। मैं दो दो कन्फर्मेशन के साथ यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल पे ट्रेड लिया। ठीक है, अब देखो ये कैंडल हमको सिनेरियो दिखा रहा है अप का। अब देखो ये अप क्यों जाएगा, इसका सिंपल सा रीजन आपको बता रहा हूँ। देखो ये कैंडल ग्रीन बनेगा, इसमें कोई 1% भी चांस नहीं है कि रेड बन जाए, इसी वजह से मैंने इतना बड़ा अपना इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों मारा, सिंपल सा आपको रीजन बताता हूँ। देखो रियल मार्केट है, ठीक है, दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पे क्या देखा, ये मेरा एक शो शॉर्ट पैटर्न है 4 कैंडल को मिला के, जो मैं रिवील करूंगा आगे। अब ये कैंडल जो ये कैंडल यहाँ तक बनी है, ये कैंडल जो ये विक छोड़ी है, इस विक से मुझे पता चल गया कि यहाँ पे बाइंग का थोड़ा बहुत प्रेशर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो सेलर ने इस पे दबाव डाला बट बायर हावी थे इसलिए थोड़ा सा ऊपर गए, अगेन सेलर दबा तो फिर बायर ऊपर गए, लेकिन सेलर एक बार जब आया तो ये एग्जॉस्ट सेलर है। ठीक है, मतलब इसकी पावर खत्म हो चुकी है, समझ रहे हो बात, इसकी पावर पूरी की पूरी खत्म हो गई। तो इसके बाद सेलर के बाद कौन आएगा, बायर आएगा। हमको यहाँ पे भी ये प्रेशर शो हुआ, इस 2 कैंडल पे हमको शो हुआ कि सेलिंग का प्रेशर है, बट हमको ये पता है कि यहाँ पे जो सेलर है, सेलर का जो प्रेशर खत्म हो गया है तो इसके बाद बायर ही आना है ना, और ट्रेंड यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग अप है, तो भाई हम डाउन की ट्रेड लेके क्यों मरेंगे, सिंपल सी बात है। एंड मैं बहुत लोग सोचेंगे कि यहाँ पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया तो यहाँ पे मुझे आना चाहिए गैप फिलिंग के लिए। देखो दोस्तों मैं गैप फीलिंग के लिए ट्रेड क्यों नहीं लिया, सिंपल सा आपको रीज़न बताऊं, क्योंकि मुझे पता है मार्केट जो दिखाता है मतलब वो हमेशा करता नहीं है, समझ रहे बात,
तो दोस्त लोगों से बच के रहो, ये मार्केट बहुत गंदा मार्केट है, ठीक है। यहाँ पे लोग बस आपका चूतिया काटने आते हैं। अगर आपको सही तरीके से जेन्युइन नॉलेज लेके ट्रेडिंग सीखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो। पीएलटी ने भी गरीबी देखा है, आपको जेन्युइन तरीके से ट्रेडिंग सिखाऊंगा एंड आगे लेके जाऊंगा जैसे मैं आगे बढ़ाऊँ। मेरे जिस VIP से डेली लोग अर्न कर रहे हैं मेरे थ्रू, अगर 1,500 मेंबर डेली कमा रहे हैं ना कुछ, आप एक बार पब्लिक ग्रुप ज्वाइन करो, आपको पता चल जाएगा भाई मेरे सेशन से डेली लोग श्योर शॉट वनली श्योर शॉट लेके कितना कमा रहे हैं, ठीक है। तो चलो अभी मैं यहाँ पे एक ट्रेड कहाँ लेने वाला हूँ, आपके लिए लेने वाला हूँ, तो वो एक ही ट्रेड होगा। क्योंकि एक चीज़ बताता हूँ, देखो ये है ट्रेलेस कैंडल। मैंने प्रीवियस कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के वीडियो में बताया, जब भी एक ट्रेलेस कैंडल बने तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि मार्केट अप जाएगा। बट भाई यहाँ पे मुझे एक रेजिस्टेंस लेवल मिल रहा और ये है हमारा रियल मार्केट, तो हमको दोनों सिनेरियो लेके चलना पड़ेगा। मे बी ट्रेड नेगेटिव जा सकती है। देखो मार्केट में दोस्त कोई भगवान नहीं है, ठीक है। जस्ट अपने नॉलेज के ऊपर एक प्रिडिक्शन होती है कि भाई हम ये प्रिडिक्शन कर रहे हैं। तो देखो ये कैंडल नेगेटिव जा रही है, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक ट्रेड मारा। मैंने यहाँ पे कितने ट्रेड विन किया है आप देख लो, अभी एक भी ट्रेड लॉस नहीं। अगर मैं एक ट्रेड लॉस भी कर दूंगा तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही होता है मनी मैनेजमेंट एंड नॉलेज। देखो नॉलेज होता है वो बात की बात है, बट जो इतना मनी मैनेजमेंट जितना आप अच्छे से करोगे ना उतना ज़्यादा आप प्रॉफिट में रहोगे, ठीक है। अब देखो ये कैंडल मेरे अकॉर्डिंग ग्रीन बननी चाहिए, बट अगर ये डोजी टाइप कैंडल बनाएंगे तो अपनी एनालिसिस में इतना दम है कि भाई ये डोजी बना दे, ये ट्रेड अपनी रिफंड हो गई, ठीक है। अगर अपनी एनालिसिस में इतना दम नहीं होता तो ये डोजी कैंडल बना दी क्या? नहीं बना दी। तो एनालिसिस में अपनी दम रखो एंड ऐसी एनालिसिस करो कि पूरी मार्केट को पलट दो आप। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ देखने वाला, 2 मिनट का सिनेरियो देख लेता हूँ क्या कहता है। 2 मिनट में यहाँ पे ये कैंडल ये बनी है और मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके डाउन के लिए, मतलब बोलते बोलते मार्केट यहाँ से डाउन के लिए आ गया, ठीक है। अब देखो ये रेजिस्टेंस लेवल जो है, अब देखो मैं अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल बोल रहा हूँ तो मैं कई कन्फर्मेशन के साथ बोल रहा हूँ कि मार्केट हाँ डाउन गिर सकता है। अब कन्फर्मेशन क्या हो सकती है, मैंने प्रीवियस कैंडल स्टिक साइकोलॉजी की वीडियो में बताया, जब एक कैंडल पे बड़ी बड़ी विक बनने लगे, चाहे वो रेड कलर की कैंडल हो चाहे वो ग्रीन कलर की कैंडल हो, अगर उस पर बड़ी बड़ी विक बनती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, बहुत ज़्यादा सिनेरियो ये बैठता है कि मार्केट वहाँ से दूसरे डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, एक अपोजिट कैंडल देगा। तो यहाँ पे बड़ी बड़ी वीक बन रही है, हमको पता है कि बायर सब खत्म हो रहे हैं, सेलर्स आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको पता चलेगा मोमेंटम ब्रेक हो गया, अब ट्रेंड डाउन जाएगा। तो एक ट्रेड पहले मैं डाउन के लिए लेता हूँ, क्योंकि अपनी एक ट्रेड मैंने लगाया था वहाँ पे रिफंड हो गई, तो एक ट्रेड मैं डाउन के लिए लेता हूँ और देखता हूँ यहाँ पे क्या एक्यूरेसी अपनी बैठती है, मतलब क्या ट्रेड विन होता है या लॉस होता है। इसका रीजन मैं आपको बता दूँ, क्योंकि देखो मार्केट यहाँ पे अपवर्ड ट्रेंड में था, मार्केट यहाँ पे डाउन है, अगेन मार्केट अप जाने की कोशिश किया, नहीं जा पाया। जब नहीं जा पाया एक कैंडल, इतना देखो सेलिंग का प्रेशर एंड यहाँ पे थोड़ा सा हल्का फुल्का बाइंग का प्रेशर था, बट ये डोजी बनाया तो डोजी पे माइनर, देखो विक्टोरियस यहाँ पे बायर्स में, मतलब बायर्स यहाँ पे प्रेशर में है, बट इस चीज़ को भी समझो, जो ये सेलर आया है इस बायर को पूरा अपने अंदर ढक लिया है, ख़त्म कर दिया, इसकी पावर पूरे अंदर अपने अंदर एब्जॉर्व कर लिया है, तो दैट मीन्स कैंडल को रेड बनना चाहिए। देखो अपनी नॉलेज के बेस पे चलो, अगर लॉस भी होता है ना तो एटलीस्ट नॉलेज से लॉस हो रहा है, तो केस तो नहीं लॉस हो रहा है ना यार। एक बार नॉलेज फेल होगी, 2 बार होगी, बार बार नॉलेज कभी फेल नहीं होती, तुक्का बार बार फेल होता है, तुक्का एक बार चलेगा, 2 बार चलेगा, 3 बार चलेगा, 4 बार चलेगा, 5 बार चलेगा, उसके बाद फेल होना स्टार्ट होगा, तो लगातार फेल ही होगा। अब इस कैंडल पे मुझे सेलिंग का प्रेशर दिखा, देखो मैंने आपके सामने जो चीज़ बता रहा हूँ मैं उसी पर ट्रेड ले रहा हूँ, मेरे अकॉर्डिंग ये कैंडल 110% रेड बननी चाहिए थी, बनी। अब मैं यहाँ पीछे का कोई भी मार्केट देख नहीं रहा हूँ, मैंने सिर्फ यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया एंड यहाँ पे। अब देखो मुझे 1-2 मिनट का मार्केट क्या शो कर रहा है, 2 मिनट का मार्केट मुझे ये शो कर रहा है, 1 मिनट 40 सेकंड इसमें बाकी है और ये कैंडल इस पूरी की पूरी बायर को कवर कर लिया अपने अंदर, मतलब सेलिंग का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, मोमेंटम गिर गया है, मार्केट यहाँ से गिरने की प्रॉबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो देखो मार्केट अब गिरेगा, समझ रहे बात, जो यहाँ पे ये बायर्स आए हैं ना अब ये सेलर्स आएंगे, क्योंकि ये लेफ्ट लेग जो है इसको फुलफिल करना है। अब चाहे बीच में 10 ग्रीन कैंडल बना के इसको फुलफिल करे, चाहे 1-2 कैंडल ग्रीन बना के फुलफिल करे, लेकिन हाँ इसको फुलफिल करने की बारी अब आ गई है बायर्स की, ठीक है। अब देखो ये कैंडल चल रही है, अब इसका यहाँ पे ये ब्रेकआउट करते, अगर COC लेवल का ब्रेकआउट करता है, जो मैंने सप्लाई एंड जो सप्लाई को अगर कवर करता है, देखो जो हिडन लेवल है मेरा, अगर ये इसको ब्रेकआउट करता है तो मैं यहाँ पे पुट के लिए जाने वाला हूँ, क्योंकि ये देखो गैप डाउन ओपन किया एंड यहाँ पे मैं 2 ट्रेड लूँगा। अब देखो मैं यहाँ पे 2 ट्रेड क्यों लिया, क्योंकि थोड़ी सी मेरी कन्फर्मेशन ज़्यादा बढ़ गई है। अब पूछो एग्जैक्ट क्यों बढ़ गई है, देखो ये ब्रेकआउट किया ठीक है, अगर ये यहाँ पे ओपन होता तो मैं 1 ही ट्रेड मारता, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड क्यों मारा, क्योंकि रीज़न है उसका भाई, ब्रेकआउट होने के बाद ये कैंडल गैप अप ओपन हुई है और गैप अप होने के बाद ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो मेरा हिडन लेवल है
उसके नीचे क्लोज हुआ है, उसके नीचे क्लोज होने का मतलब मार्केट डाउन जाएगा, इसके ऊपर तो इतने जल्दी इसको तोड़ नहीं पाएगा, ये समझ रहे बात। मार्केट अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर में होगा तभी इसको उठा सकता है, नहीं तो अगर प्रेशर में इतना ज़्यादा बायर्स अगर इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होंगे तो इसको उठा नहीं पाएंगे। जब बायर्स नहीं उठाएंगे तो कैंडल कहाँ जाएगी? सेलर के लिए ही जाएगी। तो भाई चूतियों से बचो, रियल नॉलेज लो और एक लर्निंग के बेस पे धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये कैंडल गैप अप ओपन करके इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे जो मेरा हिडन एसएनआर लेवल था उसके नीचे क्लोज किया, तो मैंने यहाँ पे दो ट्रेड पुट के लिए मारा। अभी तक जितना मैंने ट्रेड लिया है दोस्त, अब देख लो मैंने कितना ट्रेड लॉस किया, एक भी ट्रेड लॉस नहीं किया, मतलब दैट मतलब एक्यूरेसी आप देख सकते हो। तो भाई यही कहूँगा, पब्लिक ग्रुप चैनल को ज्वाइन करो एंड आपको मिल जाएगा टेलीग्राम, मतलब जस्ट इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, एक बार विजिट करो। प्रॉफिट अगर डेली ना कमाना, देखो दोस्त जो पीएलटी के पास आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता है, ठीक है। तो एक सेकंड देखो, मेरा भी कॉल भी आ रहा है और वीडियो कितनी लंबी है, वीडियो 11 मिनट की हो गई है और मैंने आपको बैक टू बैक ट्रेड विन करके दिखा दिया। अब देखो ये मार्केट एक बार ट्राई कर सकता है, मे बी मैं 2 मिनट का अगर चार्ट देखूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मार्केट ये कहाँ पे जा सकता है, ठीक है। अब देखो मैं सिनेरियो देख लिया, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो गया। अगर मार्केट इसके ऊपर कर जाता तो मे बी अगर ये हाई बना के ब्रेकआउट करता तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती कि मार्केट ने इसको ब्रेक किया है, तो मार्केट में चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि मार्केट अप जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे जो एक सेकंड मैं यहाँ पे एक ट्रेड डाउन के ले लूँगा, चलो मैंने यहाँ पे डाउन के ट्रेड ले लिया, बीच में लिया बट ले लिया, ठीक है। कैंडल नीचे आनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो गया। आप बैक टू बैक इस लेवल को फुलफिल करने, लेफ्ट लेग जो है इसको फुलफिल करने आएगा, ठीक है। देखो अभी तक मैंने एक अच्छा खासा प्रॉफिट अपने नॉलेज के बेस पे गेन करके बुक कर लिया। तो यही होता है दोस्त, मनी मैनेजमेंट लेके चलो एंड अपने नॉलेज के बेस पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट करो, मार्केट से निकल जाओ। हम फुल टाइम मार्केट में स्टक करेंगे तो मार्केट हमको लॉस ही देगा, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। क्योंकि मार्केट में 100% कोई भी नहीं। अब मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों लिया, ये जो ग्रीन कैंडल है ये रिट्रेसमेंट कैंडल है, ये कैंडल इस हॉरिजॉन्टल लाइन को टच नहीं किया, बट फिर भी मैंने यहाँ पे बीच में डाउन की ट्रेड क्यों ली, क्योंकि ये पहले नीचे आएगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ पे कोई लेवल होगा जो मैंने पहले से ड्रॉ किया होगा जो कि स्ट्रांग होगा, तो इसको फुलफिल करने के लिए आएगा। देखो ये कैंडल मेरे अकॉर्डिंग रेड ही बनी बट एंट्री की वजह से अपना लॉस हुआ। तो गाइस अब मैं वीडियो को करता हूँ स्टॉप, आपने देख लिया अपनी नॉलेज क्या है, अपनी एक्यूरेसी क्या है, एंड अगर आपको भी ऐसे तगड़े तगड़े शोर शोर चाहिए तो फटाफट से मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं कि किसी एक अच्छे से वीडियो के साथ।